रहीमदाद दिल गिरफ्तार और निढाल था। नूरा की बेवफाई ने उसके वजूद में गम और गुस्से का जो अलाव भड़काया था, उस आग में सुलगते सुलगते अब वो राख का ढेर बन चुका था। सब कुछ लुटा चुका था। रात दम बखुद खड़ी थी, हवा दरख्तों में सिसकियां भर रही थी। रहीमदाद की आंखों से आंसू रवा थे। वो अपने माजी का लाशा उठाए बोझल कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। आगे जाके उसने नहर की पुलिया उबूर की। सामने करतारपुर की बस्ती अंधेरे में लिपटी ओंघ रही थी। उसने नजर भरकर उस तरफ देखा, ठिठका और दूसरी तरफ मुड़ गया। करतारपुर ना गया। अब उसे करतारपुर से कोई दिलचस्पी ना थी। अकालगढ़ जाने से पहले उसने बीवी बच्चों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के जो मनसूबे बांधे थे, सब मलियामेट हो चुके थे। उसके जहन पर अभी तक नूरा और जमालदीन भयानक ख्वाब बनकर छाए हुए थे। उसने अंदरूनी जेब से कागज में लिपटे हुए झुमके निकाले, उन पर नजरें जमाए देखता रहा। देखते देखते उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी, चेहरे पर वहशत बरसने लगी। उसने झुमके नहर में फेंक दिए, परना खोलकर मिठाई निकाली और उसे भी हकारत से फेंक दिया। वो नूरा और बच्चों से अब कोई रिश्ता कोई वास्ता रखना ना चाहता था। वो नहर के किनारे किनारे चलता रहा। रात तारीक और बोझल थी। रहीमदाद थकन और जहनी कर्ब से निढाल था। दिल डूब रहा था। आगे जाने की सकत रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। खेतों का सिलसिला कब का खत्म हो चुका था। नहर से हटकर झंगर था, वीरान और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ। वो झंगर में दाखिल हुआ लेकिन ज्यादा दूर ना गया। मिट्टी के एक तोदे के करीब बेहाल होकर बैठ गया और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। रात उसने झंगर में बसर की। तारों की छाओं में उठा, नहर पर जाके मुंह हाथ धोया। नसीमे शहर के नर्म नर्म झोंकों में फरहत और ताजगी थी, जिंदगी की हलचल थी। सूरज तुलू हो रहा था। हल्की हल्की धूप में रेत के जर्रे जगमगा रहे थे। रहीमदाद राहगीरों की नजरों से बचता बचाता वीरान और सुनसान रास्तों से गुजरता ढोला मीर खान की जानिब गामजन था। धूप की तमाजत में बराबर इजाफा हो रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। जमालदीन खतरा बनकर उसके सर पर मंडला रहा था। उसी के खौफ से रहीमदाद ने करतारपुर को खैरबाद कहा था। वहां से चलते वक्त उसे एक ही महफूज ठिकाना नजर आया था और वो था ढोला मीर खान, जहां उसकी छोटी बहन बेगमा का घर था। माँ बाप बहुत पहले मर चुके थे। बेगमा के सिवा रहीमदाद की न कोई बहन थी न भाई। बेगमा की शादी चचाजाद भाई मौलाजाद से हुई थी। रहीमदाद का चचा भी जिंदा था। वो ढोला अमीर खान में रहता था। खासा खाता पीता जमींदार था। उसके पास 40 एकड़ से ऊपर नहरी जमीन थी, जिस पर वो अपने दो बेटों के साथ काश्त करता था। बेगमा की शादी के कुछ ही अरसे बाद चचा से रहीमदाद के ताल्लुकात खराब हो गए। सबब यह था कि बेगमा की शादी के वक्त रहीमदाद कुंवारा था। जब रहीमदाद की शादी का सिलसिला छिड़ा तो चचा ने चाहा कि रहीमदाद का ब्याह उसकी मंजली बेटी बेदी से हो जाए, मगर रहीमदाद वट्टे सट्टे की शादी पर रजामंद नहीं हुआ। उसने नूरा से ब्याह कर लिया। नूरा पर वो बहुत पहले से फरेबता था। ये बात बेगमा को मालूम थी और मौलादाद को भी। चचा इस कदर नाराज हुआ कि ना तो शादी में खुद शरीक हुआ, न बेटे और बहू को शरीक होने दिया। ताल्लुकात इस कदर कशीदा हो गए कि शादी के बाद बेगमा और उसके ससुराल से कोई भी रहीमदाद के घर नहीं आया। रहीमदाद भी नहीं गया। साल हा साल गुजर गए, मगर जिन दिनों रहीमदाद मुंटगुमरी जेल में था, एक रोज बेगमा ससुर और शौहर से छुपकर उससे मिलने आई। उसे देखकर फूट फूट के रोई। वो बेकरार होकर सलाखों से सर टकराती थी और तड़प कर कहती थी, हाय वीर, तूने ये क्या कर लिया। रहीमदाद उसे तसल्ली देते देते खुद भी रोने लगता। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बेगमा उससे टूट कर मोहब्बत करती थी, लेकिन बेगमा उससे मिलने दोबारा जेल नहीं आई। आने का मौका ही नहीं मिला होगा। रहीमदाद को यकीन था कि उसके मरने की खबर सुनकर बेगमा अहमद कोट जरूर पहुंची होगी और अब तक उसे याद करके आंसू बहाती होगी। वो अगर उसके पास पहुंच जाए तो वो भाई को जिंदा देखकर खुशी से दीवानी हो जाएगी। उसे अपने घर में ज़रूर पनाह देगी। मौलादाद भी नेक और भला मानस था, बीवी को चाहता भी बहुत था, लिहाजा रहीमदाद से खलूस और हमदर्दी रखता। खफगी सिर्फ चचा की थी। शाम का धुंधलका फैलता जा रहा था। रहीमदाद खामोश खड़ा सोच रहा था कि आया उसे फौरन बेगमा के पास पहुँच जाना चाहिए या नहीं। इस तजब्जुब की वजह उसका चचा था।
वो बड़ा जिद्दी और सख्तगीर था। रहीमदाद को खदशा था कि उसे देखकर कहीं वो भड़क न उठे, ऐसा हंगामा न बर्पा कर दे कि उसका राज फाश हो जाए, गांव वालों को पता चल जाए कि वो कौन है। वो ऐसा कोई खतरा हरगिज मोल लेना नहीं चाहता था। अब वो रहीमदाद के बजाय चौधरी नूरिलाही के रूप में जिंदा रहना चाहता था, जिसके क्लेम के कागजात का बस्ता वो नहायत एहतियात से संभाले हुए था। रहीमदाद ने बहुत सोच विचार के बाद तय किया कि घर जाने के बजाय उसे पहले किसी न किसी तरह बेगमा से मिलना चाहिए और उसके मशवरे से ढोला मीर खान में ठहरने का फैसला करना चाहिए। वो हर खतरे से बचना चाहता था। ढोला मीर खान पुराना गांव था। आम रिवाज के मुताबिक गांव के शुरू में कब्रिस्तान था। झुटपुटे में कब्रिस्तान भाई भाई कर रहा था। ऊंची नीची कब्रें कुदरों जंगली झाड़ियों के दरमियान धुंधले धुंधले धब्बों के माने नजर आ रही थीं। रहीमदाद ठिठका और कब्रिस्तान से कुछ फासले पर ठहर गया। वो मुखमसे में पड़ गया, सोचने लगा कि उसे ढोला मीर खान नहीं आना चाहिए था, फिलहाल करतारपुर ही में ठहरना चाहिए था। मगर करतारपुर अब उसके लिए महफूज ठिकाना नहीं रहा था। अकालगढ़ नज़दीक ही था और वहाँ जमालद्दीन मौजूद था, जो किसी भी वक्त करतारपुर पहुँच सकता था। अगर जमालद्दीन ने उसे पहचान लिया तो ज़रा भी मुरव्वत नहीं करेगा, झट पुलिस से मुखबरी कर देगा। अब वो उसका जिगरी दोस्त नहीं, रकीब बन चुका था। नूरा उनकी दोस्ती के दरमियान दीवार बन के हायल हो गई थी। रहीमदाद ने गांव की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया, मुड़ा और खेतों की जानेब बढ़ने लगा। वो पहले भी कई बार ढोला मीर खान आ चुका था, लिहाजा रास्तों से बखूबी आगाह था। कुछ दूर जाने के बाद चाप सुनाई दी। रहीमदाद ने रफ्तार सुस्त कर ली और चौकन्ना नजरों से चाप की सिर्फ देखने लगा। अंधेरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। गांव के घरों से मवेशियों और इंसानों की मिली जुली आवाज़ें शाम के बढ़ते हुए सन्नाटे में आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थीं। एक शख्स अचानक झाड़ियों के अक्ब से निकलकर रहीमदाद के सामने आ गया। उसे देखकर रहीमदाद लम्हे भर के लिए परेशान हुआ, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। वो करीब आया तो रहीमदाद ने पूछा, मैंने कहा जी ढोला मीर खान यही है ना? हाँ जी, उसने जवाब दिया। तैनों किसे मिलना है? रहीमदाद उसका सवाल साफ नज़रअंदाज कर गया, लहजे में किसी कदर रिक्कत पैदा करके बोला, सख्त प्यास लगी है, पानी हो तो पिला दे। फिक्र न कर, तुझे अभी पीने को पानी मिल जाएगा, उसने रहीमदाद को तसल्ली देते हुए कहा। मैंने तुझे इस पिंड में पहले नहीं देखा, उसने रहीमदाद का गर्द से अटा हुआ चेहरा और लिबास देखा। बहुत थका हुआ मालूम होता है, लगता है सवेरे से रोटी भी नहीं खाई। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराया, पानी भी पी लेना, रोटी टुक्कर भी खा लेना, आ मेरे साथ। वो आगे बढ़ा, रहीमदाद उसके साथ साथ चला। दोनों खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर चल रहे थे। रहीमदाद कुछ दूर तक चुपचाप चलता रहा, फिर उसने किसी कदर हैरत से दरियाफ्त किया, तू मुझे आड़ से पानी पिलाएगा? ना जी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो धीरे से हंसा। उधर मन्हा है, उसने एक तरफ हाथ उठाया, वहां पानी है, रोटी टुक्कर भी है। उसने पेट पर हाथ फेरा, दोपहर से मरोड़ उठ रही है, मैं इसीलिए इधर आया था, रोटी नहीं खाऊंगा, तू खा लेना। रहीमदाद खामोश रहा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खुली जगह पहुंचे। सामने मिट्टी का बना हुआ कदरे ऊंचा चबूतरा था, जिस पर चढ़कर खेतों की रखवाली की जाती थी। ये मोहना था, इसके इर्द गिर्द फसलें खड़ी थी। रहीमदाद ने फसलें देखकर कहा, फसलें तो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अभी उनकी वाढ़ी नहीं हुई? बस जी, होने ही वाली है। वो चबूतरे की जानिब बढ़ा, जिस पर एक तरफ पानी का गढ़ा रखा था, उसके ढकने पर कपड़े में लिपटा हुआ खाना धरा था। रहीमदाद भी ऊपर चला गया। उस शख्स ने खाना उठाया और रहीमदाद की जानिब बढ़ाते हुए बोला, ले ये रोटी पकड़। खाना रहीमदाद के सुपुर्द करके उसने करीब रखा हुआ मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें गढ़े से पानी डाला और रहीमदाद के हवाले किया, पहले प्यास बुझा ले, पर ज्यादा पानी ना पीना, उल्टी हो जाएगी और खाना भी ठीक से नहीं खा सकेगा। रहीमदाद ने भरा हुआ प्याला हाथ में संभाला, उसे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। उसने प्याला होंठों से लगाया और आधा खाली कर दिया। पानी पीकर वो ज़मीन पर बैठ गया और खाना सामने रख लिया।
वो शख्स भी करीब ही बैठ गया। उसने कपड़ा खोलकर रोटियां निकाली। रोटियों के साथ पल्ली की चटनी थी, एक घट्टी प्याज की भी थी। रहीमदाद ने रोटी तोड़कर लुकमा बनाते हुए कहा, दो रोटियां हैं, मैं दोनों नहीं खा सकूंगा, तू भी थोड़ी सी रोटी खा ले। मुझे ना खिला, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, रात भर भूखा रहेगा। ऐसा कर, आधी रोटी मेरे लिए छोड़ दे। उसने प्याज की गुट्ठी उठाकर रहीमदाद के सामने की। यह गुंडा भी जी चाहे तो छोड़ दे, तू पल्ली से रोटी खा ले, रात को भूख लगी तो आधी रोटी गंडे के साथ खा लूँगा, अपना काम चल जाएगा। वैसे तू मेरी फिक्र न कर, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। रहीमदाद धुंधली रोशनी में चुपचाप खाना खाने लगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। रोटी और पल्ली की चटनी मज़ेदार लगी। वो कुछ देर सर झुकाए खाता रहा, फिर उसने पूछा, तू राखा है? हाँ जी, राखा ही हूँ, वो ठंडी सांस भरकर बोला। रहीमदाद ने उसके लहजे की कसक महसूस की। कितने दिनों से ये काम कर रहा है? 2 बरस तो हो गए होंगे, पर ढोला मीर खान आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। पहले मैं चक बावी में होता था। उधर क्या करता था? करना कराना क्या है जी, वो बेजारी से बोला। कभी मवेशी चराने लग गया तो चाक बन गया, कभी गुड़ बनाने वाला गुड़ाला, कभी राखा, जो काम मिल गया करने लगा। किसी जमींदार का मजारा क्यों नहीं बन जाता? मजारा भी रह चुका हूँ। जमींदार ने बेदखल कर दिया? हाँ जी, पहले मैं भी जमींदार होता था। इसी ज़िले में तेरी जिम्मेदारी थी? नहीं जी, उसने इनकार में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। मुल्तान की तहसील बिहाड़ी में अपना पिंड कोड़ा नजीब था। मस्ताजरी पर 5 कल्ला ज़मीन ले रखी थी, नहरी ज़मीन थी, पानी भी पूरा पूरा मिलता था। साथ में घराली के भाई इदरीस को भी लगा रखा था। आराम से गुजर बसर हो रही थी। पिंड का बड़ा ज़मींदार आरिफ सदेरा था। वो मेरी ज़मीन हथियाना चाहता था, तरह तरह से तंग करता, कभी मवेशी उठवा लिए, कभी पानी काट दिया। फिर ऐसा हुआ जी, एक दिन उसने मुझे अपनी हवेली में बुलवा लिया। इदरीस मेरे साथ था। सदेरे ने मुझसे साफ साफ कहा, दिलदार अपनी ज़मीन मेरे हवाले कर दे, वरना पछताएगा। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, तेरा नाम दिलदार है? हाँ जी, कभी मेरा यही नाम होता था। उसने गहरी सांस भरी, अब तो सब दारा कहते हैं, कमी कमीन समझते हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहा। हाँ तो जी, मैं बता रहा था, आरिफ सदेरा ने मुझे सीधी सीधी धमकी दी। मैं तो चुप रहा, पर इदरीस गर्मी में आ गया। वो था भी तगड़ा और जोरावर जवान, सदेरे से ज़रा न डरा। जब ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई तो मैंने इदरीस को मना किया और अपने साथ ले आया। कुछ दिनों बाद सदेरे के पुत्र का ब्याह हुआ। उसने पूरे पिंड पर टैक्स लगाया कि हर घर से 2 भेड़ बकरियां दी जाएं। उसके करिंदे ज़बरदस्ती भेड़ बकरियां वसूल करते। वो मेरे घर आए तो इदरीस ने साफ इनकार कर दिया। करिंदे चुप करके चले गए, पर रात को उन्होंने मेरी 4 भेड़ें उठाने की कोशिश की। इदरीस पहले ही चौकस था, इसके साथ कई यार दोस्त भी थे। उसने करिंदों को टोका तो वो भाग खड़े हुए। इदरीस और उसके साथियों ने पीछा किया और 2 करिंदों को पकड़ लिया। इनमें से एक ने भेड़ भी कंधे पर उठा रखी थी। रहीमदाद ने लुकमा चबाते हुए पूछा, दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया होगा? हाँ जी, इरादा तो यही था, दारा ने बताया, पर सवेरे सवेरे सदेरे ने पंचायत भेजी, मिन्नत समाजत की। इदरीस पंचायत पर तैयार नहीं था, पर मैंने माफ़ी दे दी, करिंदों को छोड़ दिया। गाल ले है जी, मैं सदेरे से झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था, वो बहुत बड़ा ज़मींदार है, और जी उधर सदेरों का ज़ोर भी बहुत है, खाकवानियों, साहबजादों, दौलतानों और गद्दी नशीनों से सदेरों का बहुत मेल जोल है। वो इतने ताकतवर हैं, समझो हुकूमत ही इनकी है। थानेदार हो या तहसीलदार, कोई उनकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। सारे सरकारी अफसर और हाकम उनके बंदे हैं। रहीमदाद ने मिट्टी का प्याला दारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, छोटे में गड़े से पानी तो डाल दे।
दारा ने प्याले में पानी उंडेल कर रहीमदाद को दे दिया। रहीमदाद ने पानी पिया, गीली मूछें हाथ से पोंछी, मुस्कुरा कर बोला, हाँ अब आगे की बता। बताना क्या है जी, सुलदेरे ने वही किया जो चाहता था। रहीमदाद ने हैरतजदा होकर पूछा, क्या किया उसने? सुलदेरे ने गर्दावर और पटवारी के साथ जोड़ तोड़ करके बंदोबस्त एराजी के कागजात में इंतकालात मंसूख कर दिए। शामिलात देह की शक्ल बदलवा कर मेरी ज़मीन की मस्ताजरी अपने नाम करा ली। वैसे मस्ताजरी में मेरे लगभग 3 साल रहते थे। मस्ताजरी तो सरकारी ठेका होता है, ठेके की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मस्ताजरी सुलदेरे के नाम कैसे हो गई? अब क्या बताऊँ, ये सब कैसे हो गया? दारा ने अफसरदा लहजे में कहा। वैसे मेरी रबी की फसलें वाढ़ी के लिए तैयार खड़ी थी। फसलों की वाढ़ी से पहले तो मजारे की भी बेदखली नहीं होती, मस्ताजरी ख़त्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तूने अदालती चाराजोई नहीं की? मेरा तो ऐसा इरादा नहीं था, पर इदरीस ने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे का क्या बना? मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था कि सुलदेरा एक रोज़ अपने करिंदों को लेकर पहुंचा। पुलिस भी उसके साथ थी। उसने मेरी ज़मीन और उस पर खड़ी फसलों पर कब्जा कर लिया। मेरे वकील ने सुलदेरे का कब्ज़ा रुकवाने के लिए अदालत से हुक्म इम्तनाई भी ले लिया था। मैं और इदरीस अदालत से खुश खुश लौट रहे थे, उधर सुलदेरे ने दूसरा ही मंसूबा बनाया। तमाम सड़कें जो अदालत से लारियों के अड्डे की तरफ जाती थीं, उनकी नाकाबंदी की जा चुकी थी। एक सड़क के नाके पर सुलदेरे और दीनदार ज़मींदार बैठे थे, दूसरे पर मनघेरे और दौलताने थे, तीसरी पर खाकवानी और घुटाने रस्सागीर मोर्चा लगाए हुए थे। दारा ने लंबी सांस भरी। उधर तो पूरी तैयारी थी, इधर किसी को कुछ पता नहीं था। इदरीस आगे आगे चल रहा था, मुझसे कोई 30-40 गज के फासले पर था। अचानक शफी सुलदेरा, सिकंदर खंड और नादिर दीनदार एक गली से निकले और इदरीस पर कुल्हाड़ी और गंडासों से हमला कर दिया। इदरीस खून में लथपथ पड़ा था और कातिल हवाई फायर करते कुल्हाड़ियाँ लहराते सांप निकल गए। इदरीस का क्या बना? रहीमदाद ने बेकरार होकर पूछा। उसने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया, दारा ने गमजदा लहजे में कहा। उसकी लाश लेकर पिंड पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सुलदेरे के करिंदे मेरे घर के सामने मौजूद थे, उन्होंने मुझ पर डांगे बरसाने शुरू कर दी। मैं चोट खाकर नज़दीक के खेतों में घुसकर दबक गया। वो इदरीस की लाश उठाकर ले गए। सुलदेरे के हुक्म पर उसे पिंड के बीचों बीच एक दरख्त से लटका दिया गया। थाने जाकर तूने पर्चा चाक कराया होता? वो तो जी मैं पहले ही करा चुका था, पर थानेदार तो उस रात अरब सुलदेरा के साथ हवेली में बैठा शराब पी रहा था और इदरीस की लाश दरख्त से लटक रही थी। उसके कातिल भी नशा करके पिंड में फड़के मारते फिर रहे थे, खुशी से बाहें अलार अलार के भंगड़ा डाल रहे थे, टप्पे अलाप रहे थे। उसका लहजा तल्ख हो गया। मैं आधी रात के बाद अंधेरे में छुपता लगता किसी तरह अपने घर में गया, पर सवेरा होते ही करिंदे मुझे पकड़कर सुलदेरे के सामने ले गए। उसने मुझे देखते ही नंगी नंगी गाला निकाली। रहीमदाद खाना खा चुका था, उसने बची हुई रोटियां और प्याज कपड़े में लपेट कर एक तरफ रखी, मिट्टी के प्याले से पानी पिया, दारा से हमदर्दी का इजहार करते हुए बोला, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। सुलदेरे ने पहले तो अपने करिंदों से पिटवाया, दारा ने आह सर्द भरकर बताया। मेरा चेहरा काला करवाया, मुंह में जूता दिया और पूरे पिंड में घुमाया। एक ढोली मेरे पीछे पीछे ढोल बजाता था, मेरी कमर में रस्सी का फंदा फड़ा था जिसे एक करिंदे ने पकड़ रखा था। मुंह में जूता दबाए गर्दन झुकाए मैं पिंड के एक एक घर के सामने से गुजरता था। इदरीस की लाश का क्या बना? लाश सारी रात और सारा दिन दरख्त से लटकी रही, दारा ने जवाब दिया। ऐसे ही गर्मी के दिन थे, लाश से सख्त बदबू निकलने लगी। पिंड के कुछ बूढ़े सुलदेरे के पास पहुँचे, उसकी मिन्नत समाजत की। सारे पिंड में बदबू फैली हुई थी, सुलदेरे की हवेली में भी बदबू पहुँच रही थी, इसलिए उसने लाश दफन करने की इजाज़त दे दी। तूने पिंड छोड़ दिया होगा? नहीं, इदरीस को दफन करने के बाद मैं घर में जाकर बैठ गया। किसी के सामने जाते हुए शर्म आती थी,
वैसे भी सुलदेरे ने पूरे पिंड में ऐसा खौफ बिठा दिया था कि उसकी नाराजगी के डर से कोई मेरे घर के सामने से भी न गुजरता। अपना हाल ये था कि घरवाली भाई की मौत पर हर दम रोती रहती। मैं चुप बैठा उसे देखता रहता। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। उधर सुलदेरे के मुंशी ने मेरी फसल की वाढ़ी करा ली। तुझे कैसे पता चला? तू तो घर में बंद बैठा था। काराली ने फसलों की वाढ़ी अपनी आंखों से देखी थी। वो इदरीस की कब्र पर गई थी। वापस आई तो रो रो कर मुझे ये बात बताई। तूने कोई कार्रवाई नहीं की? तू भी कैसी गल्लां करता है? कार्रवाई मैंने क्या करनी थी? दारा के होंठों पर जहरखंद था। मैंने सिर्फ ये किया, एक रात चद्दर से मुंह छुपाकर सुलदेरे की हवेली पर गया, पगड़ी उतारकर सामने डाली और उसके पैर पकड़ लिए। और कर भी क्या सकता था? सुलदेरा एकदम भड़क उठा, ठोकर मारकर चीखा, यहाँ क्यों आया है? थाने जाकर मेरे खिलाफ पर्चा करा, अदालत में केस चला, हुक्म इम्तनाई निकलवा। मैंने उसकी नाराजगी का जरा बुरा न मनाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नंबरदार माफी दे दे, गलती हो गई, तू जो कहेगा वही करूँगा, मुकदमा शुकदमा भी वापस ले लूँगा, ज़मीन भी तेरी, फसलें भी तेरी, मैं तेरा मजारा बनकर काम करूँगा। तब तो वो राज़ी हो गया होगा, वो यही तो चाहता था। मैंने पता था वो यही चाहता है, तभी तो मैं उसके पास गया था। मेरी मिन्नत समाजत पर वो थोड़ी देर चुप करके बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तुझे स्टाम्प पेपर पर राजीनामा करना होगा, मैं अपने वकील से कागज़ तैयार करवा लूँगा, तुझे उस पर अंगूठा लगाना होगा। अब तू जा, मैं बाद में बुलवा लूँगा। मैं चुप करके चला आया। बाद में उसने तुझे बुलाया? हाँ जी, उसने मुझे बुलाया, दारा ने रहीमदाद को बताया। वो ऊंची रंगील खट पर तकिए से टेक लगाए बैठा था, मुझे देखकर मुस्कुराया, अपने पास बिठाया, मोहब्बत से पूछा, हाल सुना दा? मैं खैर सल्ला है, मैं कहता वो उसके पास बैठ गया। उसने नौकर से लस्सी का गिलास मंगवा कर पीने को दिया, हुक्का ताज़ा करके सामने रखवाया। थोड़ी देर बाद सुलदेरे ने अपने मुंशी को बुलाया, उसने स्टाम्प पेपर मेरे सामने निकाल कर रख दिया। सुलदेरे ने हंसकर कहा, ये राजीनामा वही है जो उस रोज तेरे साथ तय हुआ था। उसने मेरी पीठ थपकी और बोला, देख क्या रहा है, अंगूठा लगा दे। मुंशी ने मेरे अंगूठे पर फटाफट रोशनाई लगाई और दो कागजों पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया। रहीमदाद ने हैरत से पूछा, दूसरा कागज किस लिए था? वो राजीनामे की नकल थी। मुंशी तो नकल देने को तैयार नहीं था, पर मेरे मांगने पर सुलदेरा हंसकर बोला, कोई गल नहीं, दे दे इसे नकल। मुंशी ने मुझे नकल दे दी। दारा ने एक बार फिर ठंडी सांस भरी। राजीनामे पर अंगूठा लगवाने के जरा ही देर बाद सुलदेरे के होंठों से मुस्कुराहट उड़ गई। मूंछ पर हाथ फेर कर कड़कदार आवाज से बोला, दारा अब तू नीचे जमीन पर बैठ, आज से तू मेरा मजारा बन गया। तैनू पता है मजारा जमींदार के पास नहीं बैठ सकता। मैं चुप करके उठा और सामने जमीन पर बैठ गया। मजारा बनने की गलत तूने ही कही थी ना? क्या करता, कोई और रास्ता भी ना था। वो पहले ही मुझे जलील कर चुका था। दारा के लहजे में दर्द की चुभन थी, पर वो मुझे अभी और जलील करना चाहता था। कहने लगा, कल शाम मेरे पुत्र की जंज चढ़ेगी, तेरी घरवाली जंज के आगे आगे झूमर डालेगी। मैंने सुना है वो बहुत ज़बरदस्त नाचती है, और हाँ ये भी सुन ले, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना होगा, मैं इनकार शिनकार सुनना नहीं चाहता। अब तू टूट जा। मैं खामोशी से उठा और घर वापस आ गया, पर घरवाली को कुछ नहीं बताया। दूसरे रोज भी कुछ न कह सका, पर जब दिन ढलने लगा तो मैंने घरवाली को हिम्मत करके पूरी बात बताई। मुझे जो डर था वो ही हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया। बिगड़ कर बोली, सुलदेरे ने पहले ही जंज के आगे नाचने के लिए कंजरियां बुला रखी है। उसने क्या मुझे भी कंजरी समझा जो मुझसे झूमर डलवाना चाहता है? पर जब मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की तो वो रोने लगी। चुपचाप उठी, नहाई, कपड़े बदले और शाम होने से पहले पहले सुलदेरे की हवेली पर पहुंच गई। वापसी पर नाराज तो नहीं हुई? रहीमदाद ने उसकी रुदाद में दिलचस्पी का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया।
यह ना पूछ जब वो वापस आई तो क्या हुआ, दारा ने तड़प कर बताया। तीसरे रोज वो लौटी तो उसका मुंह लाल हो रहा था, मुझे देखते ही जोर जोर से चीखने लगी, मैंने तेरे से बेगैरत के साथ नहीं रहना, तूने सुलदेरे के पुत की जंज में मुझे कंजरियों के साथ नचवाया, अब मैंने कंजरी ही बन के रहना है। उसने मेरे मुंह पर थूका, निक्के को गोद में दबाया और घर से चली गई। उसे रोका नहीं, रोकता भी तो ना रुकती, गुस्से से पागल हो रही थी। घरवाली के इस तरह चले जाने पर मुझे बहुत शर्म आई, सुलदेरे पर सख्त गुस्सा आया, जी चाहा हवेली में जाकर उसे कत्ल कर दूं, पर मैं सुलदेरे की हवेली नहीं गया, घर से निकला और सीधा अपने वकील के पास पहुंचा, उसे राजीनामे की नकल दिखाई। उसने कई बार उसे पढ़ा, मत्थे पर हाथ मारकर बोला, ये क्या किया, राजीनामा करने से पहले मुझसे तो सलाह मशवरा कर लिया होता, सुलदेरे ने तेरी जमीन भी अपने कब्जे में कर ली और तुझे इस तरह बांध दिया है कि उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता, वो जब चाहेगा तुझे बेदखल कर देगा, मजारा बनकर भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। राजीनामे में उसने ऐसी ही शर्तें डाली हैं। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ, वकील ठीक ही तो कहता था, पक्के कागज पर अंगूठा लगाने से पहले तुझे वकील से जरूर गल कर लेनी चाहिए थी। गाल ये है जी, मैं सुलदेरे से बहुत डरा हुआ था, इदरीस के कत्ल के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था, पिंड में हर बंदा मुझसे बात करते हुए घबराता था। दारा ने सफाई पेश की, अब आगे की सुन, वकील ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं सुलदेरे के खिलाफ एक बार फिर अदालती चाराजोई करने पर तैयार हो गया। मैंने वकील के साथ थाने जाकर रपट लिखाई के सुलदेरे ने डरा धमका कर मुझसे राजीनामे के स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगवा लिया। इसके बाद वकील ने मेरी तरफ से अदालत में नई अर्जी लगाई, ये तौहीन अदालत का मुकदमा था जिसमें कहा गया था कि सुलदेरे ने हुक्म इम्तना ही नहीं माना और मेरी ज़मीन पर अभी तक कब्जा किए हुए है, फसलों की वारी कराई और उसे उठाकर भी ले गया। वकील ने ज़ोरदार मुकदमा बनाया था, अदालत ने फौरन सुलदेरे के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। लगता है तकड़ा वकील किया था, वारंट देकर सुलदेरे के भी होश उड़ गए होंगे, हवालात में भी बंद रहा होगा। सुलदेरा गिरफ्तार कर लिया गया था पर जमानत पर उसी रोज छूट गया, न हवालात में रहा न जेल गया, दारा ने बताया। वकील ने मुझे अपने एक मिलने वाले के पास ठहरा दिया था, उसका पिंड कोड़ा नजीब के नज़दीक ही था। चंद ही रोज गुजरे थे कि एक रात पुलिसिया मुझे गिरफ्तार करके थाने ले गए, बहुत मारा पीटा और हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने सुलदेरे के एक करिंदे की रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ मज की चोरी का मुकदमा बनाया था। वकील ने जमानत की दरख्वास्त लगाई पर वो मंजूर ना हुई, मुझे हवालात से जेल भेज दिया गया। सुलदेरे की जमानत हो गई और तेरी ना हो सकी, ये अजब गल सुनाई, रहीमदार ने ताज्जुब का इजहार किया। सुलदेरा बड़ा जमींदार है, साहबजादों और मखदूमों से इसकी यारी भी है, दारा गहरी सांस भरकर बोला, उसकी जमानत कैसे ना होती, मैं मुस्ताजिर जमींदार से घटकर मजारा रह गया था, मुझे हवालाती बनाकर पोलसिए जेल ले गए, वहां पहुंचा तो हुक्म दिया गया घंटी घर जाओ, घंटी घर गया तो हुक्म हुआ स्कूल जाओ, मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, स्कूल शकूल तो कहीं था नहीं, बहुत से कैदी मूंज की रस्सियां बटते थे, मुझे भी उनके साथ मुशक्कत पर लगा दिया गया, मैंने इनकार किया तो सड़ाक सड़ाक छितर लगाए गए, गंदी गंदी गाला निकाली गई, मैं झट मौज बटने लगा, रोज ऐसी मुशक्कत करनी पड़ती। मैंने ये भी देखा जो हवालाती खाता पीता होता जेल के हुक्काम को खुश रखता उसे ज़रा भी मुशक्कत न करनी पड़ती, उधर मैं मुशक्कत करते करते आधा रह गया, डॉक्टरी के लिए भेजा गया, घंटों खड़ी धूप में बैठा रहा, तब डॉक्टरी हुई, वज़न लिया गया तो मशीन ने उतना ही वज़न बताया जितना जेल में दाखिल होते वक्त था, मशीन में कुछ ऐसा बिगाड़ पैदा किया गया था जब चाहो वज़न बढ़ा दो जब चाहे घटा दो। रहीमदाद खामोश बैठा रहा, उसके लिए ये अनोखी बातें नहीं थी, वो भी हवालाती के तौर पर महीनों ऐसी मुसीबतें उसी जेल में भुगत चुका था। दारा बताता रहा, हवालातियों को चक्कियों और बारकों से बाहर निकालकर हर रोज़ सवेरे सवेरे गिनती की जाती,
मशक्क़त पर ले जाने के लिए उनकी छांटी की जाती। वो इस तरह होती, घर खुराकी अलग कर दिए जाते, साहब बहादुर के अलहदा कर दिए जाते, दूसरे अफसरों के सिफारिशी अलग कर दिए जाते। जिन हवालाती ने मशक्क़त से बचने के लिए माहाना भत्ता बांध रखा था वो भी अलग कर दिए जाते। सिर्फ मेरे ऐसे बेसहारा हवालातियों को मशक्क़त खानों में ले जाया जाता और दबा के काम दिया जाता। न पूछ जेल में कैसी ज़बरदस्त रिश्वत चलती है। आज़ादी से चलने फिरने तक के लिए मुट्ठी गर्म करनी पड़ती, पर बड़े लोगों के ऐश होते। अव्वल तो ऐसा कोई बंदा जेल जाता नहीं, और जाता भी है तो सरदारी करता है, हुक्म मानने की बजाय उल्टा हुक्म चलाता है। तुझसे क्या क्या बताऊँ।